हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। क्या कर रही है मानु पोचा गैंग? मेरा रोज का यही चाय। मानु पोचा गैंग अच्छा। क्या बना अम्मी? मानु पोचा सर्विस रोटी। अरे हमें काम वाली मिल जाएगी। क्या मानु? क्या मानु की खुशी को ठिकाना नहीं है। क्या बनाया है सब्जी? मलाई कोफ्ता। और पकोड़े खाया। चलो खाएंगे, मचाएंगे। शेव हो गई है मेरे पापा जी। कितने सुंदर इस चीज पे लगते हैं ना, कमेंट सेक्शन में बताना भाई। ठीक है, हमें तो पता है, पर एक बार पापा को भी खुशी हो, पापा को पता चले। ये भी दिखा दे, वो कदे तो मम्मी भी रोई थी भाई। अरे तो बस ये इन्होंने जितना संघर्ष करके ये जो ये बना रखे है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। तो अब ये शरीर वापिस आने लग रहा है मम्मी का भी, है ना मम्मी जी? थोड़ी सी कसर है, थोड़ी कसर है, हो जाएगी पूरी। बाकी हम तो है ही। मेरी जो जो तुम्हारी है कसर है, तू नहीं नहीं पोछा मार। मां जो अपने लाइन पकड़ते हैं तू अपने सर। मम्मी ग्रीन हाउस क्या है बताओ? ग्रीन हाउस वाह। अरे ग्राम का घर। मम्मी पापा ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस ऊपर कुछ बढ़िया प्रोग्राम बनने की तैयारी है। कन्नू का सरप्राइज है ये। देखो क्या तैयार करेगा। अभी तो ये क्या है? ये पता नहीं, मतलब ये आलू की टिक्की है, बस इसमें आलू नहीं। ये क्या बात हुई? आलू की टिक्की में दूसरी फिलिंग नगेट्स हैं, बात खत्म। मैंने दिमाग में शब्द नहीं आया। थोड़ ली है धक्के आ गए। थोड़ो ए अंदर की क्या कर। चलो नीचे चल कहीं नहीं। क्या कर रही है मानो? ये मैडम इधर से खेल रही है, भाई साहब उधर से खेल रहे हैं। है क्या ये तो बता। ये मेरी अलमारी में से मम्मी ने कहा था इनके खिलौने रखने के लिए, फिर मैडम जी रखती है खुद। ये जगह नहीं है यहाँ, यहाँ से तो कपंजा मारती है। अभी भी मार रही है, देख रहे हैं नाखून का। इधर कर देख थोर को करेगी। हेलो थोर को छुप जाती है पूरा मस्ती में। दो दिन हो गए। ओ भाई मम्मी जी, क्या नया सरप्राइज आने वाला है? क्या है कुछ आने वाला है बता दो। तुझे नहीं पता? तेरे को नहीं पता ग्रीन हाउस किस लिए बना था? हम फिश रूम बनाएंगे एक प्रॉपर, और वो जो ऊपर ग्रीन हाउस बन रहा था वो इसी चीज के लिए बन रहा था। तो अभी हम कल मैंने और आदित्य ने भाई पानी चेंज करा इनका, दिखा देते हैं एक बार। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है पानी, ये देखो। और पूरे ये इसमें घुसे हुए हैं, ये बनाए इनका प्रॉपर सेट करा, तो ये बच्चे सारे इसमें घुसे हुए हैं। और यार कल हमें पता चला कि कल शायद दूसरे वाली जो ऑरेंज फिश थी ना, उसने भी बच्चे दे दिए, तो उसके भी चार पांच बच्चे थे छोटे छोटे, बिल्कुल ही छोटे छोटे। तो उनको बहुत ज़्यादा तरीके से निकाल के डाले, और आपको दिखाएंगे अगर दिख पाएंगे तो। एक्चुअली क्या है, वो पानी के कलर के ही हैं, तो वो ढंग इतने दिखते नहीं, सिर्फ उनकी आँखें दिखती है, और वो भी गौर से देखो तो। ब्लैक वाले तो पूरी गैंग बना के घूम रहे हैं इसके अंदर। तो चलो अब दिखाते हैं कि क्या प्रोसेस करेंगे हम, ऊपर क्या क्या बनाएंगे। ये वाली जो टंकी है ना, ये वाली, ये प्रॉपर सबसे पहला टैंक हम इसे बनाएंगे। और भाई नेचुरल ही रखूँगा मैं सीन, पता ही आप लोगों को, क्योंकि मैंने सब चीज़ करके देख लिए, सब चीज़, मतलब फिल्टर फुल्टर। अभी भी मेरे पास ना फिल्टर पड़े हैं अभी भी, और वो पुराने हैं और वो चलते हैं, मतलब वो चालू कंडीशन में है। एयर बबल वाला स्टोन वगैरह सब है सब, पर मैं सोच रहा हूँ कि जितना नेचुरल सीन में बना पाऊँ तो उतना बनाऊँगा। जैसे ये
ये कामयाब हुआ ना नेचुरल, होया नहीं होया आदित्य? कामयाब कैसे पता चलता है भाई कि बढ़िया उनकी ग्रोथ हो रही है, अच्छी तरीके से रह रहे हैं, है ना, और कोई स्ट्रेस नहीं दिखा रहे। दूसरा अपना ब्रीडिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, ये तो इससे पता चलता है कि बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और इसमें ना तो मैंने कोई वो एयर स्टोन डाला हुआ, ना कोई फिल्टर डाला हुआ, बस तरीके से काम करो और कामयाब होएगी चीज। और ये तो कितने सारे, एक सेकंड में अगर हिलाऊंगा ना तो ये देखना, ये देखो कितने सारे हैं, ये सारे बाहर निकल गए। और ब्लैक वाले बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है भाई, बहुत ज्यादा टचवुड, ब्लैक वाले बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। येलो वाले थोड़े छोटे हैं, पर ब्लैक वाले, बल्कि येलो वाले इनसे बड़े हैं, फिर भी ब्लैक वालों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो चलो अब ये वाली टंकी हमने ऊपर पहुंचानी है। हमारा कमांडर आदित्य ऊपर चढ़ चुका है, देख के जाइए भाई, हमें टंकी टंकी चाहिए भाई, हॉस्पिटल वैसे ही भरे हुए हैं। अब इसकी हालत देख लो। हालत तो कुछ नहीं है, सब धुल जाएगा, ये तो बिल्कुल साफ है, बल्कि अंदर से ब्लू है। कमांडर को पकड़ लेनी चाहना है, आगे कमांडर। और जिस चीज को याद है इस टंकी में ना, सबसे पहले थोर स्विमिंग भी करी थी थोर ने जब वो छोटा सा था, तो बताना जिस जिसने वो वीडियो देखी नहीं देखी, और अगर नहीं देखी तो आई बटन में लिंक आ रहा हूँ, वो देख लेना भाई। एक्चुअली क्या सीन है, इस गेट से तो जाएगा नहीं अंदर, ठीक है, जाएगा तो ये टूट सकती है, मोड़नी पड़ेगी। वहां पे वो प्रोटेक्शन लगी हुई है ऊपर गेट के ऊपर, दिखा मानो दिख रहे हो, ब्लैक कलर की प्रोटेक्शन लगी हुई है, तो उधर से भी नहीं जा सकता ये। तो हम सोच रहे कि इसको यहाँ से ले जाए, तो ये खड़ा आदित्य टंकी ले गए, अब ये ऊपर से निकालनी पड़ी, बस आ रहा हूँ, तो हम ये करते जा रहे हैं। तो ये देखो भाई यहाँ से सक्सेसफुल हो गए, चलो। तो भाई हम अपने फिश रूम में पहुंच चुके हैं, ये हमारा फिश रूम है भाई, देखो ये इसलिए बड़ा है कि मतलब बिल्कुल ओपन से तो प्रोटेक्शन अच्छी है ना, और ये देखो हर जगह से बंद है, दिखो भाई यहाँ से बंद है, देखो प्रॉपर बंद है ये, ठीक है, हल्का फुल्का जो है वो बांध दूंगा मैं, मतलब ये खोल रखा है हवा पास होने के लिए वैसे तो। और ये देखो ये स्पेस है अंदर, ये स्पेस है, तो पूरी स्पेस है ये तो अभी निकाल देंगे हम बाहर, ये पड़े रहने दो, और यहाँ से ही पानी का वो हो जाएगा। तो और ये देखो ये जो जगह है ना, यहाँ पे भी रख सकते हैं, रैक्स लगा सकते हैं, हम रैक्स वगैरह लगा सकते हैं, तो बहुत चीजें कर सकते हैं। अब मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे आइडियाज दो बहुत अच्छे अच्छे, जिससे ये बहुत सुंदर बन पाए अपना, है ना। तो जी कई लोगों की तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि एक और चीज आ रही है हमारे पास, जितना खुश मैं हो रहा हूँ उतना ही मुझे लग रहा है आप लोग भी हो रहे होगे, मेरे से ज्यादा हो रहे होगे। तो चलो मदद करो मेरी इस चीज को सेट करने में, पहले अभी हम इसको एक बार धो देते हैं, और धो के इसको एक बार चेक करते हैं कि कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। और हाँ बढ़िया, मतलब कि मुझे ये भी बताओ कि कौन कौन से हम प्लांट्स यूज कर सकते हैं इसके अंदर, और मैं सारे प्लांट्स भी लाऊंगा। और मेरा एम क्या है इस चीज़ को बनाने के लिए, कि अच्छे से अच्छे प्लांट्स लोकली अवेलेबल करें, अगर ब्रीड कर पाएंगे तो ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हो प्लांट तो वैसे भी बहुत है, पर अब एक्वेटिक प्लांट्स का ध्यान ज़्यादा देंगे हम, तो अच्छे अच्छे रैक्स बना सकते हैं हम इसमें, जो जो चीज़ें हम बना सकते हैं उस चीज़ का आप आइडिया दो बढ़िया वाला, है ना, जो चीज़ पॉसिबल हो सके वो दो। इसको सेट करेंगे, पहला टैंक हमारा यही सेट होगा, और इसको देखते हैं कहाँ सेट करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि बिल्कुल वहाँ कॉर्नर पे सेट करते हैं इसे, क्योंकि वो बढ़िया है, वो जो है ना उसको बांध दिया जाएगा वहाँ पे, वो जो कील है तो प्रॉपर ऐसे ही हो जाएगा जैसे ये है, है ना। और वहाँ पे इसको रखेंगे पहले वाले को वहाँ पे या इस कॉर्नर में, तो वहाँ पहला सेट करेंगे इसको सेट, इसके अंदर क्या क्या डालेंगे। मैं सोच रहा हूँ जो अपने ब्लैक वाली मोली है ना, तो उसका पूरा परिवार इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी आप लोग हमें सजेशन दो कि कौन सी करें उनमें से करें, क्योंकि वो छोटा पॉट हो गया है, क्योंकि उसके अंदर मछलियां ज़्यादा हो रही हैं, बच्चे हो गए थे ना, आप सबको ही पता है, तो
तो उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो करेंगे और हम प्लांट्स ढूंढूंगा, मैं प्लांट्स की सर्च पे हूँ। अगर आप लोगों को पता हो कोई लिंक वगैरह, कोई साइट वगैरह, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लाइव प्लांट्स है ना, एक्वेरियम वाले एक्वेटिक प्लांट्स, और कौन कौन से अच्छे होंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसमें मैं सैंड तो डालूंगा, तो जो ऊपर तैरते हैं पौधे वो ज़्यादा सही होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग सजेशन दो। चलो इसका क्या काम करेंगे अब हम भाई, मैं इस वीडियो में इसलिए चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बार ये इसलिए ऊपर लेके आए ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो अब इसका हम साफ करेंगे, उसको शायद पेंट भी करेंगे, चेक करेंगे कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, है ना, ये चीज़ करेंगे। ये चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे आप, तो हम बताना ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कैसा लगा हमारा आइडिया ये करेंगे हम। और ये नहीं मानू, ये तो इधर से पकड़ रही थी, ये रहा आदित्य, कैसा लगा मानू आइडिया? अच्छा। ढंग से बता बहन। अच्छा। फॉर्मेलिटी ना अगर। अरे अच्छा। यहाँ मानू अब तेरे एक वो है कि यहाँ पे तेरे को एरो लगाना है बड़ा सा और नीचे लिखना है फिश रूम इधर, ठीक है, में से पानी निकलेगा, पानी की टंकी है तो एयर यार, यूं पेंट से या किसी अच्छा। भी चीज से और क्या गड्ढा थोड़ी करते हैं, क्या दिमाग, कौन सी क्लास में तू मेरे को ये बता। अब मैं 10वीं फ्री में पास हूं। बस ऐसे ही पास हो गए भाई, ऐसे ही होंगे सारे ये देखो भाई खड्डा हो जाएगा इसमें भाई, एरो का मतलब कि यूं जाके, अरे यूं देखो इन्हें, ये उसकी अरे हम दोनों टेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं, साथ में पढ़ते थे, हमको पढ़ना नहीं मिला, ये केली ला रही तो उसका खामियाजा आप भुगत रहे हो कि अभी आपने कहा कि बस टॉपिक चेंज। चलो मानू कैसा लगा, सही बता आइडिया यार, अच्छा अब बढ़िया बढ़िया मछलियाँ आएंगी मानू, इतनी फेक स्माइल तो नदी है ना। आदित्य कैसा लगा आइडिया भाई? चलो आज अब इस पे काम शुरू करते हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, कल देख लेना नेक्स्ट व्लॉग कौन सा अपना, एक एक हफ्ते बाद आ रहे हैं, कल ही आएगा, तो प्यार दो इन व्लॉग्स को। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, ओके बाय 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 मानू डोंट।